नमस्कार दोस्तों, फाइटर न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 मई 2018 रविवार को फाइटर न्यूज की टीम पहुंची है समाज सेवी और दानवीरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में। हम अपनी टीम के साथ उपस्थित हैं नगर परिषद श्री गंगानगर द्वारा मिर्जेवाला में संचालित नंदीशाला में। इस नंदीशाला की कल्पना जिस सोच के साथ हमने की थी, वो हमारी सोच विपरीत साबित हुई है। यहाँ बेसहारा पशुधन इस चिलचिलाती धूप में बिना छांव के तड़फ रहा था। इनके लिए छांव की कोई व्यवस्था नहीं की थी, वहीं इनके पीने का पानी तो ऐसा था कि पानी की खुरली में अंदर तो काई जमी ही थी, ऊपर भी साफ देखी जा सकती थी। जहां तक इनके लिए हरे चारे की बात करें, तो यहाँ व्यवस्था संभाल रहे गार्ड भरत सिंह ने बताया कि हर रोज लगभग 50 क्विंटल हरा चारा आता है। इन्होंने बताया कि अलग अलग पशुओं के बाड़े ना होने के कारण पशुओं की आपसी लड़ाई व गर्मी के चलते एक दो पशुओं की हर रोज मौत हो जाती है। मेरा नाम भरत सिंह है। मैं यहाँ नंदीशाला में गार्ड की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ 500-600 पशु है, 50-55 क्विंटल रोज हरा जाता है। और ये हरा जो आता है वो कौन लेके आता है? गौशाला की नगर परिषद की तरफ से आता है या समाज से भी देखे जाते हैं? नगर परिषद की तरफ से और समाज से भी? समाज से भी कोई इक्का दुक्का आते हैं, बाकी नगर परिषद से आता है। हर रोज कितने पशुओं की मौत हो जाती है? करीबन एक दो तो हो जाती है, एक दो पशु हर रोज मौत हो जाती है। नंदीशाला के प्रभारी मदन लाल डुड्डी ने बताया कि इस नंदीशाला में लगभग 700 पशु हैं। इनके लिए हर रोज 50 क्विंटल हरा चारा आता है, यानी कि एक पशु के लिए एक दिन में मात्र 7 किलो हरा चारा। ये कैसे दानवीरों की धरती है, जहां इन पशुओं के लिए पेट भर चारे की भी व्यवस्था नहीं है। इन पशुओं को तूड़ी और दाने के अलावा हर रोज सुबह शाम 15-15 किलो हरा चारा पेट भरने के लिए जरूरी है, यानी हर रोज 30 किलो, जबकि मात्र 7 किलो ही खिलाया जा रहा है। ऐसे में गोधन भूखा रहने पर मजबूर है। मुक्तिराम प्रधान भूनेटाल का हरा चारे की और 15 किलो हरा सुबह 15 किलो शाम को हरा पत्तों को गौशाला के लिए चाहिए। इससे कम से कम से कम ही रहता है हरा और भूखे रहते हैं पशु। नंदीशाला में गोवंश को ना तो पूरा भोजन मिल रहा है, ना ही साफ पानी और ना ही छांव की व्यवस्था। समाज सेविकों के इस शहर में ये कैसी सेवा हो रही है? इस संबंध में नगर परिषद के सभापति श्री अजय चांडक से जब बात की, तो उन्होंने समाज सेवकों की जमकर पोल खोली। नंदीशाला में जो पशुओं की दशा है वो सच में आज इस वक्त खराब है, क्योंकि वहाँ शेड नहीं है। शेड का नगर परिषद अपने स्तर पर निर्माण करा रही है। हरा चारे की व्यवस्था नगर परिषद को करा रही है, पानी की व्यवस्था नगर परिषद करा रही है। और मैं कहूँगा शहर की जनता है या समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनका हमें कोई सहयोग नहीं, क्योंकि ये जो समस्या है ये पूरे शहर की है। हमारा पशुओं की जो कैटल फ्री का जो एक सपना है, वो कैटल फ्री जो हम करना चाहते हैं वो सपना हमारा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक शहर की जनता और समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग नहीं होगा, नगर परिषद अकेला कुछ नहीं कर सकती। क्या कारण है कि शहर के समाज सेवी आपको सहयोग नहीं कर रहे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। नगर परिषद अपने स्तर पर कर रही है, जितने नगर परिषद के साधन संसाधन है हम उससे अपना काम कर रहे हैं और पशुओं की सार संभाल कर रहे हैं। रोज का लगभग 20 क्विंटल हरा और इतनी ही मात्रा में तूड़ी की वहां हर रोज वहां पशुओं को चारा डाला जाता है और पानी की व्यवस्था की जाती है। नगर परिषद के पास जितना साधन, अगर आए समाज से भी वहां तो व्यवस्था अच्छी हो सकती है। मोस्ट वेलकम, हम स्वागत करते हैं। हम तो सभी से सहयोग, हमने एक नगर परिषद का एक अकाउंट नंबर दिया था, हम शहर की जनता से अपील भी की थी ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट में आप 100, 500, 200, 1000, 2000, 5000 जितना भी पैसे डलवाना चाहो आप महीने के डलवा सकते हो। वो हम नंदीशाला जो संचालित कर रखी है नगर परिषद ने, हम उसमें ये पैसे उनके चारे के लिए, हरे के लिए या और कोई जो व्यवस्था करनी है उसमें काम होंगे। लगभग 8-9 महीने हो चुके इस नंदीशाला को नहीं, एक साल से ऊपर, कम से कम एक साल से ऊपर
एक साल हो गया, तो अब तक उस अकाउंट में कितने रुपए आए? अभी तक किसी ने कोई अकाउंट में पैसे नहीं डाले। हमने अखबार में भी दी थी, मेरी तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया था, नगर परिषद की तरफ से आयुक्त माध्यम से प्रेस नोट जारी किया था भी ये खाता नंबर है, अगर कोई भी सज्जन चाहे 100 50 जो भी इसकी इच्छा हो, कोई किसी पर दबाव नहीं है, वो अगर इस नंदीशाला में कुछ शो करना चाहे, पशु के हरे चारे के में जो भी व्यवस्था करना चाहे वो कर सकता है, आज भी कर सकता है, मैं पहले भी निवेदन किया था। लोगों का मानना है कि नगर परिषद में लालू यादव जैसे बहुत बैठे हैं जो हरा चारा घोटाला के आरोपी है और नगर परिषद में भ्रष्टाचार जमकर है, इसी के चलते ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। हरे चारे की जो व्यवस्था की है उसका हमें सैनी धर्म कांटे से एक पर्ची, जितना हरा चारा नंदीशाला में जाता है वो तुलाई होकर जाता है, और मैंने हमारे जो पार्षद है अजीत सैनी जी उनको मैंने कहा यहाँ से जो भी चारा तुल कर जाएगा आपके धर्म कांटे से जाएगा, और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी मैं नहीं मानता। अगर कहीं आज तक मुझे कोई शिकायत भी नहीं मिली है हरे चारे के मामले, ऐसा कोई भी मुझे लगता है कोई भी मतलब शहर में कोई भी ऐसा नागरिक या कर्मचारी अधिकारी ऐसा कोई नहीं होगा जो गाय के पैसे खाएगा, अगर खाता तो उससे ज्यादा मैं कहता हूँ कोई मैं क्या बताऊं। थैंक यू।